नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पविराठी द फार्मर में। तो भाइयों, आज जो हम वीडियो बनाएंगे, देखो ये ट्रैक्टर है न्यूलैंड 3600-2 ऑलराउंडर। ये यूजी गेयर बॉक्स के साथ आता है हाइलो मीडियम में। और भाइयों देखो, ये खेत है, देखो ईंख का खेत है ये। इसमें एक बो रखा था, अब हमने पिड्डी काट दी इसमें से, उधर खड़ी हुई है। और अब हम इसमें गेहूं बोओगे तो हम इसमें बाने लग रहे हैं इसको, देखो। और ये हमारा रोटावेटर है परम का, 7 फुट का चैंपियन मॉडल। और भाइयों, जैसे बहुत से भाई कहते हैं कि ये जो परम का रोटावेटर है देसी रोटावेटर है, तो भाइयों ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कहते हैं अच्छी काट नहीं करता। देखो भाइयों, एक खेत ऐसा था और एक ही फिर आया अभी, देखो उधर भी मैं आपको दिखाऊं, ये देखो। और देख सकते हो बाहन भी एक ही बार में ही बिल्कुल बारीक हो रहा, देखो ये देखो। और जैसे दो खोड़ पे रोटावेटर चल रहा है, और देखो इतनी मिट्टी इकट्ठी होकर चल रही है कि बीच वाला भी पूरा भर रहा, खाली नहीं चमक रहा, बिल्कुल एक सार करके चल रहा रोटावेटर खेत को। चलो तो अब बाना शुरू करते हैं। तो भाइयों, अब हम अपने ट्रैक्टर को पहले के लो में चलाएंगे 1800 चक्रों पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, पहले का लो गियर गेयर लेते हैं। तो भाइयों, फाइनली अब हम अपने खेत को एक बार दे चुके हैं, देखो कैसा हो गया एक बार में खेत, ये देखो। अब हम इसको दूसरी बार देंगे, ये देखो बांध कितना बारीक हो गया दूसरी बार में, तो बिल्कुल मैं आपको गहराई भी दिखाऊं, देखो भाइयों। शुरू करते हैं हम फिर से, अब हम दूसरे के लो में चलाएंगे ट्रैक्टर को। तो भाई, अब दूसरे के लो में चलाते हैं और आप आरपीएम देख ही सकते हैं। मिट्टी भी देख सकते हैं।
क्योंकि भाई कहीं कहीं को इसलिए लोड पड़ता है पहिया के अराई में चला जाता है तो रोटावेटर ज्यादा लग जाता है वहां पे बहुत ज्यादा।